जय हिंद। हिमलता सनातनी का आप सबको नमस्कार। एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर मैं आज सबके सामने यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। व्हाट आई फील इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड एवरीबडी शुड एनालिसिस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आज हमें सबको विश्लेषण करना चाहिए कि ये जो बहुत बड़ी साजिश के तहत ये जो फैलाया जा रहा है सनातन संस्कृति को, ये अपमान किया जा रहा है, उसकी साजिश के तहत उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, कुप्रयास ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन लोग हैं, आखिर ये क्रिप्टो इस्लामिक के तहत हमारे साथ में ये क्या साजिश की जा रही है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज उन पाखंडी जो अपने आप में सनातन के ये गुरु बन रहे हैं, धर्म गुरु बन रहे हैं और हमारे सनातन के सच्चे सन्यासियों को, साधुओं को ये बदनाम कर रहे हैं, उन धर्मगुरुओं की आज मैं बात कर रही हूँ। चाहे वो भले मोरारी बापू ले लीजिए, चाहे वो कल की आई हुई ये गंदी औरत चित्रलेखा ले लीजिए, चाहे वो चिन्मयानंद ले लीजिए, चाहे वो अपने आप को गुरुमा कहने वाली वो पाखंडन औरत ले लीजिए। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। इनको ये किसने अधिकार दिया है कि व्यास गद्दी जैसी पवित्र जगह पर बैठकर और सनातन संस्कृति का अपमान करे। ये खाते हैं भगवान राम के नाम पर, ये खाते हैं भगवत गीता के नाम पर और ये पाठ करते हैं और गुणगान करते हैं दूसरे धर्मों का। इनको जरा बहुत भी लज्जा नहीं आती। कल मैं सुन रही थी एक मोरारी बापू का एक सत्संग का वीडियो वायरल हो रहा था और उसके अंदर वो ये कह रहा है कि मैं क्या करूं, मैं राम का नाम लेते लेते, मैं भगवत कथा कहते कहते, कृष्ण भगवान को ये करते करते और मुझे अंदर से ही फूट जाता, अल्लाह मुल्ला आ जाता है। तो मैं उसको कहूंगी कि तेरे अंदर से नहीं फूटता, ये जो तेरे शब्दों का मोह माया जाल है वो पैसों का है। तू इतना बड़ा गद्दार है, तू इतना बड़ा दल्ला है, मीन्स जिसे हम ये कहते हैं ना, मेरे पास आज शब्दकोश कम पड़ गया इनको गाली देने के लिए, ये इतने बड़े दलाल है कि ये पैसों की आड़ में, पैसों के लालच में अपनी माँ को भी, अपनी मातृभूमि को भी ये सौदा कर सकते हैं, ये बेच सकते हैं। मैं आज उसको कहना चाहूंगी, उन तमाम साधु संतों को जो धर्म का नाश कर रहे हैं कि जिनके अंदर से ही आप ये शब्द फूटते हैं दूसरे धर्मों का प्रचार करने का या उनको प्रेरणा मिलती है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जब कश्मीर में लाखों हिंदुओं के साथ में बर्बरता की गई थी, उनको निकाला था, माँ बहन बच्चियों के साथ में जाती हुई थी, उनको नंगा कर करके चौराहे पे उनकी बोली लगाई गई थी, तब तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे मन से ये नहीं फूटा कि तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। जब बंगाल के अंदर सरेआम हिंदुओं को जलाया जा रहा है, वहां पर उनके घरों को जलाया जा रहा है, वहां पर निकाला जा रहा है हिंदुओं को, तब तुम्हारे मन से ये फूटता नहीं है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। जब तुम्हारे नाक के नीचे सैकड़े हिंदू गांव, पूरा के पूरे एरिया आज हिंदू विहीन हो गए हैं, तब तुम्हारे शब्द से, तुम्हारे अंदर से ये नहीं आता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। जब हमारे धर्म के प्रतीक, हमारे साधु संन्यासियों का मोब लिंचिंग की जाती है, उनको घेर के मारा जाता है निर्दोष लोगों को, तब तुम्हारे मन से ये नहीं फूटता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। जो आज तुम ये बोलने लग गए कि दूसरे धर्मों का प्रचार कर रहे हैं, ये जो तुम्हारे क्रिप्टो इस्लामीकरण के लिए जो तुमने पैसा लिया है, जो तुम्हारे पास में अरब से ये करोड़ों रुपए का फंड आ रहे हैं, बड़े बड़े लाखों करोड़ों के तुम पंडाल सजा के, लाखों हिंदुओं को बुला के जो तुम परोस रहे हो, जो तुम दिमागी रूप से उनका धर्मांतरण करवा रहे हो, भारत में मैं बता रही हूं कि ये सनातन समाज तुम्हें बख्शने वाला नहीं है। आज मैं दूसरी बात करती हूं उस चित्रलेखा की, जो ये कहती है कि भगवत गीता का पाठ करते करते अजान अगर सुनो तो उसको रोक दो, बंद कर दो भगवत गीता को, अजान उसको प्रणाम करो अल्लाह को। अरे तुम्हें ये किसने ठेका दिया भाई धर्म का? ये तो इतनी बड़ी गद्दार दल्ली गंदी औरत है ये, कि इसने तो भगवत गीता में एक पहला, जिसे हम बोलते हैं संशोधन करके, 13वें स्कंद के रूप में अजान को जोड़ दिया है। इतनी गंदी औरत है ये शराब का प्रचार कर रही है। कोई इससे पूछे कि क्यों भाई तू तो शराब का धंधा करती है, तूने धंधा खोल रखा है शराब का, जो तू बड़ी इसको प्रमोट करती है, तुम्हें आखिर हक दे किसने दिया? तुम लोग ऐसे घिनौना काम करते हुए तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं है? एक वो चिन्मयानंद जो व्यास गद्दी जैसी पवित्र जगह पर बैठकर काले वस्त्र ये सब धारण कर रहे हैं, ये भगवान को भूल रहे हैं, ये काले वस्त्र धारण करते हैं, वहां पे मुजरा के गीत गा रहे हैं, वो फिल्मी धुनों पे ठुमके लगवा रहे हैं और वहां पर वो हमारी आने वाली पीढ़ियों की, हमारे युवाओं की, हमारी औरतों की वो जो मानसिकता चेंज कर रहे हैं, वो ये क्रिप्टो इस्लामीकरण का ये पाठ पढ़ा रहे हैं। वो शायद भूल गए कि जहां जहां सनातनी कम हुए वहां अलगाववाद की स्थिति आ गई है। कश्मीर में क्यों अलगाववाद की स्थिति आई है भाई? ये गुजरात में तो नहीं आई है, राजस्थान में तो नहीं आई है, या जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है वहां तो नहीं आई है? तो ये जो इतनी बड़ी साजिश है, हिंदू समाज को समझनी पड़ेगी, इन लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। नहीं तो जो पुरखों ने हमारी गलतियां की है उन गलतियों को मत दोहराओ, अदरवाइज इनके अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रह जाना। ऐसे धर्म के गद्दारों को, ऐसे दल्लों को जो हमारे साधु संतों को बदनाम करते हैं, वैदिक सनातन संस्कृति का हर्ष कर रहे हैं, ये नाश कर रहे हैं, उनको सबक सिखाओ, उनका बहिष्कार करो। और एक बात और इंपॉर्टेंट कह रही हूं मैं, कल मैंने एक कमेंट किया था
इन्हीं लोगों के ऊपर, तो मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर दिया गया 24 घंटे के लिए। इनकी बकायदा एक टीम सक्रिय है कि जहां जहां अगर कोई हिंदू अपने पक्ष की बात रखे उसको ब्लॉक करवा दिया जाए, क्योंकि पता है कि हिंदू तो मरा पड़ा है, सोया पड़ा है, उसके अंतरात्मा जाग नहीं रही है। अतः आज आपको कसम है, आपको अपने धर्म की कसम दिलवाती हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना और ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, ये हो सकता है मेरी आईडी को ब्लॉक करे, लेकिन अगर ये लाखों करोड़ों की तादाद में गया तो कोई आईडी ब्लॉक नहीं होगी। अतः इस वीडियो को रोके नहीं, और मैं चाहती हूं कि उन दलों तक ये मेरी आवाज जाए ताकि वो अपनी औकात में रहें और वैदिक सनातन सभ्यता को बदनाम करने की, बर्बाद करने की साजिश ना करें। अगर उनको पैसों की इतनी भूख है, अरब से आए हुआ पैसों की इतनी है, तो अपनी माँ बहन बेटियों को आगे करने में भी वो शर्माते नहीं है। इतने गद्दार लोग हैं, उनका बहिष्कार करना है ये तय आपको करना है, अदरवाइज नतीजा भुगतने के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।